नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने भारतीय राजनीति के एक प्रमुख और प्रेरणादायक नेता श्री राहुल गांधी जी के बारे में विस्तार से बात करना चाहती हूं। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था और वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के पुत्र हैं। राहुल गांधी न केवल एक राजनीतिक नेता हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने कार्यों और विचारों से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। राहुल गांधी की शिक्षा और प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और देहरादून के धून स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से पूरी करनी पड़ी। उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज़ में एमफिल की डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा और अनुभव ने उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है जो उनके राजनीतिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राहुल गांधी ने 2004 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की जब वे पहली बार अमेठी से लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही समाज के विभिन्न वर्गों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। वे हमेशा से ही किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के अधिकारों के प्रति सजग रहे हैं। उन्होंने किसानों के आर्ण माफी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर जोर दिया है। उनका मानना है कि भारत की प्रगति तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और अधिकार मिले। राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आया। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने और नए विचारों को शामिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2007 में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI का महासचिव नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्होंने संगठन में सुधार और युवाओं को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में युवा कांग्रेस और NSUI ने कई नए कार्यक्रम और अभियानों की शुरुआत की। 2009 के आम चुनाव में राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत दिलाई। उन्होंने अपनी रणनीति और मेहनत से यह साबित कर दिया कि वे एक प्रभावी नेता हैं। हालांकि उनकी राजनीतिक यात्रा में कई चुनौतियां भी आईं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पार्टी के पुनर्गठन और नए विचारों को अपनाने पर जोर दिया। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के अधिकार जैसे मुद्दों पर हमेशा सक्रिय रहे हैं। उनका मानना है कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में है और सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जैसे अभियानों के माध्यम से देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का प्रयास किया है। राहुल गांधी की सामाजिक सेवा की भावना भी उल्लेखनीय है। उन्होंने कई सामाजिक और चैरिटी संगठनों के साथ काम किया है और गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। उनके प्रयासों से कई ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। हाल ही में राहुल गांधी की ओर से देश में 2 पैदल यात्राएं निकालना और संविधान के खतरे में होने का सवाल उठाना शायद कांग्रेस के हित में रहा है। इंडिया अलायंस ने 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली NDA को कड़ी टक्कर दी। 2024 के नतीजों ने सबको चौंका दिया। NDA को 294 और इंडिया अलायंस को 232 सीटें मिली। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के लोगों ने देश और संविधान को बचाया है। देश की गरीब और वंचित आबादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के साथ खड़ी रही। राहुल गांधी के लिए 2024 के परिणाम बहुत जरूरी हैं। 2014 और 2019 में कांग्रेस के बेकार प्रदर्शन को लेकर लोगों ने उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया था। 2024 में एक अलग राहुल गांधी दिखाई दिए, जिन्होंने जनता से सीधा संपर्क किया, आम जनता की परेशानियों को समझा, उनके मुद्दों को रखा। राहुल गांधी एक संवेदनशील नेता के रूप में उभरे। युवाओं से जुड़ने के लिए उन्हीं सोशल मीडिया रणनीति बहुत काम आई। राहुल गांधी ने युवाओं को राजनीति में आने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं की शक्ति और ऊर्जा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। उनके विचारों में समर्पण और देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके विचार, उनकी ऊर्जा और उनका समर्पण देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर देश की सेवा में अपना योगदान देना चाहिए।
राहुल गांधी का जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए और समाज की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। धन्यवाद।